तो ये नया टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, रिकंसिलिएशन यह एक वर्ड होता है, रिकंसाइल। अच्छा, होता है क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकंसाइल के मीनिंग क्या होते हैं, जो रिकंसिलिएशन वर्ड बना, रिकंसाइल से ना, सही करना। किसको सही करना, स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को सही करना, या यूं कह रहे कि हाँ, क्या करना, टूगेदर नहीं, रिकंसाइल मीनिंग होते हैं कि टू ब्रिंग टू थिंग्स इनटू एग्रीमेंट, दो वैल्यूज को सेम करना, रिकंसाइल, दो वैल्यूज को सेम करना, टू ब्रिंग टू थिंग्स इनटू एग्रीमेंट, टू ब्रिंग टू थिंग्स इनटू एग्रीमेंट। ठीक है, दो, जैसे आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं, आपने दोनों वैल्यू को सही करके इक्वल लाना हो, इसको कहते हैं रिकनसाइल करना, टैली करना। अच्छा, देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैशबुक याद है आपको, कैशबुक में हमने क्या रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या रिकॉर्ड करते हैं, और रिसिप्ट पेमेंट्स रिकॉर्ड होती है ना, कैशबुक में क्या रिकॉर्ड होता है, रिसिप्ट पेमेंट्स ऑफ चेक्स एंड कैश। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ बैंक की, यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ बैंक की, हाँ, चेक वगैरह की बात होगी, कैश की बात नहीं करेंगे इस टॉपिक। अच्छा, देखिए जिस तरह हम अपने पास बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना, कि जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट करवाते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, चेक इशू करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं, तो जिस तरह हम अपने पास बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसी तरह बैंक भी अपने पास हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा, कब हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया, कब कितना विड्रॉ किया, बैलेंस कितना है हमारा, ये सारी चीजें। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का नाम सुना है आपने, क्या होता है बैंक की स्टेटमेंट आती है, इसमें क्या होता है, एक को बोलना दे, और क्या होता है, एक को बोलने दे, एक को, हाँ, बहुत, कितने मतलब डिपॉजिट करा है, किस डेट पे करा है, किस डेट पे कितना विड्रॉ कर लिए, बैंक चार्जेस वगैरह होते हैं, आखिर में बैलेंस होता है, हाँ आप बोले सही। हाँ, तो बैंक से हमें, बैंक से एक स्टेटमेंट मिलता है, एक लेटर कह लें, पेज 50, ठीक है, स्टेटमेंट मिलता है जिसमें आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, पूरे मंथ की ट्रांजेक्शन होती है, किस डेट पर कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया, किस डेट पे कितना अमाउंट ड्रॉ किया, बैंक चार्जेस वगैरह सब मेंशन होता है, आखिर में क्लोजिंग बैलेंस, तो उसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक से हमें रिसीव होता है। अच्छा, हम बना रहे हैं कैशबुक, कैशबुक में हमने बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन किया, मंथ एंड हुआ, मंथ एंड पे हमने बैलेंस फाइंड किया, बैंक बैलेंस आया 10,000 एज पर कैशबुक। अच्छा, बैंक से हमें बैंक स्टेटमेंट मिला, बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, वो भी 10,000 होना चाहिए, जो कैशबुक में बैंक का बैलेंस है वही बैंक स्टेटमेंट का होना चाहिए, दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर कैशबुक में बैंक बैलेंस आ रहा है 10,000, तो बैंक स्टेट से जो बैंक स्टेटमेंट मिलेगा आपको, उसका बैलेंस 10,000 से या तो ज्यादा होगा या कम, बहुत कम, कभी कभार इतनी ऐसा होता है कि दोनों बैलेंस इक्वल आ जाए, नॉर्मली दोनों बैलेंस इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इक्वल होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होते, तो करना आप इसमें क्या, हमने यही करना होता है इसमें टॉपिक में, कि दो बैलेंस आपको गिवन होंगे, उसके आपको रीजन बताएगा क्या रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद हमने उनकी करेक्शन करके दोनों बैलेंस को इक्वल करना होता है, सेम करना है, रिकनसाइल करना होता है, ठीक। अच्छा, अब पहले हम बात करते हैं रीजन पे, कि इसकी रीजन होती क्या है, बैलेंस इक्वल आता क्यों नहीं, कैशबुक में बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इक्वल क्यों नहीं आते, कि रीजन क्या होती है, एक रीजन हो गया बैंक चार्जेस, ठीक है, तो ये तो पता आपको बैंक चार्जेस होते हैं, बैंक हमारे अकाउंट से चार्जेस डिडक्ट करता है ना, जैसे चेकबुक इशू करवाए उसके चार्जेस होते हैं और डिफरेंट टाइप के ना, अब बैंक ने कब कितने चार्जेस डिडक्ट किए हमें कब पता चलेगा, स्टेटमेंट स्टेटमेंट मिलने के बाद, हाँ तो पहले तो बैंक माइनस कर चुका होगा, डिडक्ट कर चुका होता है, हमें कब पता चलता है, स्टेटमेंट आने के बाद, हाँ तो
तो हम रिकॉर्ड कब करते हैं, स्टेटमेंट आने के बाद करते हैं। तो जब तक स्टेट, तो इसलिए दोनों बैलेंस इक्वल नहीं होंगे। बैंक पहले माइनस कर चुका होगा, बैलेंस कम हो जाएगा, हमने रिकॉर्ड नहीं किए होंगे तो बैलेंस हमारा ज्यादा होगा। स्टेटमेंट मिलने के बाद हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो दोनों बैलेंस इक्वल हो जाते हैं। एक तो रीजन हो गया बैंक चार्जेस, और इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है जी, आपने जैसे ओवरड्रॉ किया तो ओवरड्रॉ पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब कितना इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमें कब पता चलेगा, स्टेटमेंट आने के बाद। तो पहले बैंक रिकॉर्ड करेगा, हम रिकॉर्ड करेंगे बाद में। और चल एटीएम चार्जेस हो सकते हैं, और बस हाँ चलो वो सब उसी में आ गया, सारे चार्जेस। और क्या सर, सर्टेन बैलेंस कम हो गया करंट अकाउंट के लिए, सर्टेन अमाउंट से कम हो गया तो ना वो लोग एक्स्ट्रा चार्जेस भी चार्जेस जो हो गए ना सारे। हाँ ठीक है, अच्छा चलिए इसको लिख लेते हैं अब। ठीक है अच्छा, पहली रीजन डिफरेंस आने की क्या होगी, एक रीजन तो ये हो सकती है, ये पहले नोट कर ले जरा पॉइंट। अच्छा ये नोट कर ले पहले, यहाँ पे तो क्या रीजन लिखते हैं। एक रीजन, पहले रीजन तो हो सकती है एरर, एरर हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं बिल्कुल। देखिए एरर हमसे कैशू के भी हो सकता है और बैंक से भी हो सकता है, एरर कहीं भी आ सकता है, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, और किसी भी टाइप का एरर हो सकता है। सही है, तो डिफरेंस आने की एक रीजन तो हो गई एरर। अच्छा सेकेंड रीजन, जैसे हमने बात की बैंक चार्जेस वगैरह की, कि जो पहले बैंक रिकॉर्ड करता है और हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए टर्म यूज की जाती है अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो बैंक पहले रिकॉर्ड करता है और हम रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट मिलने के बाद, इनकी वजह से डिफरेंस आएगा। अभी कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो आपने बता दिया बैंक चार्जेस, और क्या हो सकती है इसमें, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, सोनर या बाउंस चेक, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, क्रेडिट ट्रांसफर पेमेंट, क्रेडिट ट्रांसफर। अच्छा ये नोट कर लें, फिर इस पे बात करते हैं डिटेल में। क्या लिखा हुआ है पहला, ओके अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन क्या होती है, वो ट्रांजेक्शन जो बैंक में रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाती है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, बाद में होती है। यानी कि जो बैंक पहले रिकॉर्ड कर लेता है और हम रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट आने के बाद। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बैंक चार्जेस। ठीक है ये तो पता ही आपको, बैंक जो है डिफरेंट टाइप के चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट करता रहता है। तो अब कितने कब कितने चार्जेस डिडक्ट हुए हमें कब पता चलेगा, स्टेटमेंट आने के बाद। अच्छा इसी तरह बैंक इंटरेस्ट है, बैंक बैलेंस में हमें इंटरेस्ट मिलता है और अगर ओवरड्रॉ करें तो इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो कब कितना इंटरेस्ट मिला या कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ ये हमें कब पता चलेगा, स्टेटमेंट मिलने के बाद। जिसके बाद है डिसऑनर चेक या बाउंस चेक, ये क्या होता है, चेक बाउंस हो जाना मतलब, एक को बोल रहे चेक बना के दे दिया, एक को बोल रहे चेक ज्यादा का दे दिया आपने, अकाउंट में पैसे कम है तो आपका चेक बाउंस हो जाता। हाँ या चेक में कोई मिस्टेक होती है, ओवर राइटिंग हो गई या लिखने में मस्त हो भी आपका चेक, सिग्नेचर मिस्टेक, किसी भी तरह की मिस्टेक हो, अमाउंट की मिस्टेक भी होती है, सिग्नेचर की मिस्टेक भी हो सकती है, ओवर राइटिंग हो सकती है, तो कई रीजन होती है डिसऑनेस्टी। क्या आपके कस्टमर ने चेक दिया, चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, पता चला कि बैंक में पैसे कम है तो चेक आपका रिटर्न हो जाता है, तो उससे कहते हैं डिसऑनर चेक। तो मेन रीजन बैलेंस ही होता है, बाकी और भी कई रीजन हो सकती है ना। अच्छा ये बता चेक की लाइफ कितनी होती है, पॉइंट याद आ गया, चेक की लाइफ कितनी होती है, कब तक कैश करवा सकते हैं। अगर आज मैं आपको एक चेक दूं तो आप उसको कब तक कैश या डिपॉजिट करवा सकते हैं, हाँ 6 महीने। तो चेक की लाइफ 6 मंथ होती है, जो डेट चेक पे लिखी होती है ना उस डेट से नेक्स्ट 6 मंथ में, विद इन 6 मंथ आप उसको कैश या डिपॉजिट
करवा सकते हैं, 6 मंथ के बाद चेक आपका एक्सपायर हो जाता है, फिर वो यूजलेस हो जाएगा, तो चेक की लाइफ 6 मंथ होगी। अच्छा, यू गेट डिसऑनर, चेक रिटर्न होना। अच्छा, इसके बाद है डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स। अच्छा, फिर डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक की दो पेमेंट फैसिलिटीज हैं जो बैंक अपने कस्टमर्स को देता है, बल्कि इसको आप कहेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट फैसिलिटीज नहीं है, ऑटोमेटिक पेमेंट फैसिलिटीज तो बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। इन दोनों में क्या होता है कि एक बार आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिक पेमेंट होती रहती है, आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि तो कहाँ यूज होती है, तो डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स हम यूज करते हैं जहां आपकी मंथली पेमेंट वेरी करती है, जहां मंथली पेमेंट आपकी वेरी करती है वहां यूज करेंगे डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स, और जहां मंथली पेमेंट फिक्स होगी वहां यूज करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स। हाँ, जैसे देखिए आपका जहां आपकी मंथली पेमेंट वेरी करेगी वहां यूज करेंगे डायरेक्ट डेबिट, जहां मंथली पेमेंट फिक्स होगी वहां यूज करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर। अब एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया आपके घर पे, बिल आ रहा है। अच्छा, बिल पे करने का नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, बिल लेके आप बैंक जाते हैं, बैंक में जाकर कैश देंगे। क्यों नहीं, बैंक में भी होता, क्या हो गया, बैंक में ही होता है, पोस्ट ऑफिस में भी होता है, लेकिन मैं कभी नहीं गया पोस्ट ऑफिस, तो बैंक में जमा करें। हाँ ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि बिल लेके आप बैंक जाते हैं, उनको कैश देते हैं, बिल आपका पे हो जाता है, कभी रश होता है कभी रश नहीं होता कभी। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि भाई आपका जो बिल है घर बैठे पे हो जाए आपको, या अच्छा अब तो खैर ये तो एक, अब तो कई ऑप्शंस आ गए हैं, ऑनलाइन इंटरनेट हो गया, आपको इजी पैसा, जैस कैश वगैरह से भी आप पे कर सकते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट है उसके मोबाइल ऐप है बैंक की, तो मोबाइल ऐप से भी आप पे कर सकते हैं, तो कई ऑप्शन आ गए। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि जो बिल है, अब आप चाह रहे हैं कि आपको आप बिल जो है वो आपको ऑटोमेटिकली पे होता रहे, आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत ना पड़े और बिल भी आपका पे हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार आप बैंक बिल लेकर बैंक जाएंगे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां जाकर आप बैंक को बताएंगे भाई कि आप अपना बिल जो है वो डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पे करना चाह रहे हैं, तो बैंक आपके जो बिल की डिटेल्स है वो बिल नंबर वगैरह जो भी होगा अकाउंट नंबर अपने पास सेव कर लेता है, उसके बाद आपके पास तो बिल आएगा, साथ साथ बैंक में भी ऑनलाइन बिल आएगा और वहीं से उसकी पेमेंट हो जाए, फिर आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं, तो हर महीने ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट होती रहेगी, बस आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, और इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं, फैसिलिटी फ्री नहीं होती, इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं। अच्छा ठीक है, तो बिल आपका हर महीने वेरी करता है, तो जहां पे अमाउंट वेरी करेंगे वहां यूज करेंगे डायरेक्ट डेबिट पेमेंट। इसी तरह आपकी स्टैंडिंग ऑर्डर, ये भी ऑटोमेटिक पेमेंट्स होती हैं। अब ये कहाँ यूज करते हैं, जहाँ आपकी मंथली पेमेंट फिक्स हो, जैसे आपकी सैलरी हो गई, एम्प्लॉयज की सैलरी फिक्स होती है। अब नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, आप हर महीने के एंड पर चेक्स बनाएंगे, चेक अपने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो जाके बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो सैलरी मिल जाएगी उनको। अब आप चाह रहे हैं कुछ भी ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली सैलरी पे हो जाए, तो आप क्या करेंगे, अपने बैंक जाएंगे, बैंक जाकर अपने एम्प्लॉयज की डिटेल्स वहां पर देंगे, सैलरी का अमाउंट बताएंगे, बैंक सारी डिटेल्स सेव कर लेगा और हर मंथ के स्टार्ट पे आपके अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट से पैसे, सैलरी एम्प्लॉयज के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सैलरी के एग्जाम्पल फिक्स स्टैंडिंग ऑर्डर, जहाँ पेमेंट्स वैरी करेंगे वहां डायरेक्ट आ रहे हैं, जहाँ फिक्स होंगे वहां स्टैंडिंग। अच्छा, फिक्स पेमेंट में और क्या आ सकता है, सैलरी हो गई, फिलहाल आपकी कोई इंस्टॉलमेंट हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गई, मंथली एनुअल सब्सक्रिप्शन हो गई, ठीक है, तो हाँ जैसे इंस्टॉलमेंट हो गई, आपने लोन लिया हुआ है या आपने गाड़ी ली है इंस्टॉलमेंट पे, इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स होती है, वो आप स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू ऑटोमेटिक पे बिल्कुल हो जाता है। हाँ, ऑप्शन होता है उसमें, हर महीने फिक्स हो सकता है, बिल्कुल मोबाइल ऐप में ऑप्शन होता है, सही कह रहे हैं। हाँ, सेम प्रोसीजर है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में, ये वेरिएबल पेमेंट्स के लिए, ये फिक्स है।
अच्छा आप ये ऑटोमेटिक पेमेंट है तो पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक। हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट आने के बाद। सही। अच्छा पिक्चर कहाँ देखे? नॉर्मली जो है डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर। अच्छा देखा, आप एक के लिए पेमेंट है तो दूसरे के लिए रिसिप्ट भी होती है। तो क्वेश्चन में आपने जब भी बात आए डायरेक्ट डेबिट स्टैंडिंग ऑर्डर की, आपने उसको गौर से पढ़ना है। पेमेंट की बात कर रहा है, रिसिप्ट की कर, क्योंकि हम पे करेंगे तो दूसरा रिसिप्ट, उसके लिए हो जाएगी डायरेक्ट डेबिट रिसिप्ट स्टैंडिंग ऑर्डर रिसिप्ट। तब ये भी तो हो सकता है कोई हमें पे कर रहा हो तो वो हमारे लिए फिर वो रिसिप्ट हो जाएगी। तो ये दोनों में आता है इस क्वेश्चन में। कभी वो पेमेंट की जा रहा था तो पेमेंट में आप साइंस में आएगा, कभी कभार रिसिप्ट में भी आ जाता है। जब क्वेश्चन में जब भी बात होगी डायरेक्ट डेबिट स्टैंडिंग ऑर्डर की, तो आपने उसको पढ़ना है कि पेमेंट की बात कर रहा है या रिसिप्ट की बात। उसके बाद है क्रेडिट ट्रांसफर, तो ये भी दोनों में आ सकता है, रिसिप्ट और पेमेंट। क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, बस ये। जैसे आपने कस्टमर को गुड्स, आपने गुड्स खरीदी और आपने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। अच्छा ये तो हो गई ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक पेमेंट ना। अच्छा जो बैंक पहले रिकॉर्ड करेगा, हम रिकॉर्ड करेंगे बाद में स्टेटमेंट मिलने के बाद। जैसे कस्टमर को हमने गुड सेल की और उसने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए पैसे, पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक। हम रिकॉर्ड करेंगे बाद में, स्टेटमेंट आने के बाद। अच्छा अब आप ये कहेंगे भाई कि जैसे ट्रांजेक्शन होती है तो SMS तो आ जाता है, तो फिर स्टेटमेंट का इंतजार क्यों करें? SMS देखकर ही रिकॉर्ड कर लें। अच्छा तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ बिजनेस की, तो बिजनेस में SMS वाला सिस्टम नहीं होता है, तो एक पर्सनल के लिए होता है। क्योंकि बिजनेस में तो ये ना, आपका एक जैसे बिजनेस में आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या आप मोबाइल नंबर देंगे उसका बैंक को? नहीं देंगे, ठीक। और अकाउंटेंट चेंज भी होते रहते हैं, तो किस किस का नंबर देंगे, कहाँ कहाँ मैसेज आएगा? तो बिजनेस जो चलते हैं वो SMS पे नहीं चलते, बिजनेस चलते हैं स्टेटमेंट पे, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। कि जब तक आपको कोई डॉक्यूमेंट ना मिले, रिटन डॉक्यूमेंट, तब तक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अगर नहीं। डबल रिकॉर्डिंग हुई डायरेक्ट तो एरर होगा, लेना पड़ेगा। तो फिर एरर है ना, एरर पढ़ लिए ना, तो फिर फर्क चलेगा। एरर तो सब जगह आ सकता। अच्छा देख इसकी, अच्छा ये तो हो गए अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, ये जो बैंक पहले रिकॉर्ड करेगा और हम रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट आने के बाद। अच्छा इसका अपोजिट भी तो हो सकता है कि हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, बैंक ने रिकॉर्ड ना की हो। तो ऐसी भी ट्रांजेक्शन होती है कि जो हम पहले रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, बैंक रिकॉर्ड करता है बाद में। अच्छा हाँ, अब वो कौन सी होती है? तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम टाइमिंग डिफरेंस, और ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक। टाइमिंग डिफरेंस का कि हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, बैंक बाद में करता है रिकॉर्ड, ठीक। टाइमिंग डिफरेंस होता है, अब उसकी भी रीजन ये लिख लें, फिर इससे बात करते हैं। ये बताएं कि आप हमें पढ़ करें, कस्टमर ने हमें पेमेंट की बाय चेक, आज हम बैंक गया, बैंक जाके हमने चेक डिपॉजिट करवाया, अकाउंट में पैसे कब आएंगे? कल शाम शाम तक आएंगे। कल शाम में कब आएंगे? 6 बजे के बाद, तो 6 बजे तो बैंक बंद हो जाता है, तो फिर विड्रॉ कब करेंगे आप? परसों। आप क्या कह रहे हैं, कब आते हैं? कब आते हैं ये पूछ रहा हूँ, और कब आते हैं? शाम इसी दिन किस कंडीशन में आते हैं? हाँ सेम बैंक का चेक हो तो वो तो फॉरन ही आ जाता है, डिपॉजिट कराते ही पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन डिफरेंट बैंक का चेक हो तो आज जमा करवाए तो कल कब आएंगे? कितने? तो नहीं, 14 घंटे भी नहीं आता। संडे थोड़ा वर्किंग डेज अगर है तो कल भी शाम में जाके मैसेज आता है, रात को 5 बजे के बाद। लेकिन अगर कोई बात है बिजनेस की बात करें, 5 बजे बैंक बंद हो जाता है, विड्रॉ परसों ही होता है ना। उसको हम कहते हैं नॉर्मली 3 वर्किंग डेज लगते हैं। आज डिपॉजिट करवाया तो परसों अकाउंट में पैसे आएंगे, परसों हम अपने अकाउंट से ड्रॉ करवा। अच्छा तो देखिए, आज हमने चेक डिपॉजिट करवाया तो हम कब रिकॉर्ड करेंगे?
आज रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा आज डेट थी 31st, सपोज कर ले 31st है, तो आज हमारा मंथ एंड हो गया, मंथ एंड पे बैंक से हमें बैंक स्टेटमेंट मिलेगा, तो उसमें वो चेक अपेयर होगा नहीं होगा, ठीक है। वो क्लियर कब होगा? दो दो तारीख को, पहली सेकंड को होगा ना, सेकंड को वो बैंक स्टेटमेंट में अपेयर होगा। तो जो करंट मंथ का हमें बैंक स्टेटमेंट मिलेगा उसमें वो चेक अपेयर नहीं होगा, लेकिन हम अपने पास रिकॉर्ड कर चुके होंगे कैशबुक में, तो डिफरेंस आएगा ना, ठीक है। ऐसे चेक्स जो हमने डिपॉजिट करवा दिए अभी क्लियर नहीं हुए, के लिए हम टर्म यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स और आउटस्टैंडिंग लॉज। आप बोले तो बता ले 20 आखिर के 2 दिन, ये तो 28 को करवाएंगे तो 29 को कराएंगे तो 30 31 को आ जाएगा ना, 29 को कराएंगे तो पहली को आएगा, 31 को 2 दिन का, हाँ 2 दिन बाद गैप रख लेना, 30 31 आखिर के 2 दिन, आखिर के 2 दिन में कराएंगे तो नहीं आएगा, वो पहली दूसरी को आएगा। अच्छा लॉजमेंट का मतलब होता है लॉज, लॉजमेंट होता है डिपॉजिट कराने, लॉजमेंट लॉजमेंट का मतलब है चेक डिपॉजिट कराने के लिए टर्म यूज करते हैं लॉजमेंट डिपॉजिट कराना, ठीक है। बता देता हूँ क्रॉस चेक क्या होता है भाई, क्रॉस चेक वैसे खाली आज, ठीक है, चेक रिसीव बाय द बैंक बट नॉट येट क्लियर, अच्छा इसको अनक्लियर, अच्छा इसके लिए अनक्लियर चेक भी कह सकते हैं, इसको अनक्लियर चेक भी कह सकते हैं, अनक्लियर लॉजमेंट भी कह सकते हैं, इसके कई नाम है इसके, लिख लें, हाँ लिख लें, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट आगे लिख लिया, और अनक्लियर चेक, अनक्लियर लॉजमेंट, तो ये इसके कई नाम है, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट इसको आप ये कहते हैं नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक, तो इसको आप अनक्लियर चेक भी कह सकते हैं, अनक्लियर चेक, अनक्लियर लॉजमेंट, ये तो सबका एक ही मतलब। अच्छा अब आ जाए ये इसका अपोजिट है आउटस्टैंडिंग चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक, ये इसका अपोजिट हो गया। अब हमने एक सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक, टिक टिक नहीं करें, हम कब रिकॉर्ड करेंगे? आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, आज हम किसी सप्लायर को पे कर रहे हैं तो हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक। अच्छा वो सप्लायर जो था चेक लेकर गया, उसने जाके अपने ऑफिस में जब ड्रॉअर में रख दिया, एक आध दिन में जब बैंक जाना होगा डिपॉजिट करवा दूंगा। अच्छा इससे पहले कि वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवाता, मंथ एंड हो गया, अब मंथ एंड पे जो स्टेटमेंट मिलेगा उसमें वो चेक अपीयर नहीं होगा रिकॉर्ड, ऐसे चेक्स को कहेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, कि वो बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो उसके ड्रॉअर में रखा हुआ है, तो हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। ओके तो ये हो गई रीजन जिनकी वजह से कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। अब हम इसमें यही पढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा क्वेश्चन में आपको दो बैलेंस दिए होंगे, कैशबुक का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, ठीक है। उसके बाद वो आपको सारे रीजन बता देगा क्या रीजन है जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद हमने इन दोनों बैलेंसेस को एडजस्ट करना है, इक्वल करना, ठीक है, जो भी प्लस माइनस होगा डेबिट क्रेडिट करेंगे और उसके बाद दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, रिकंसाइल्ड, ठीक है। तो पूरा टॉपिक में यही करना भाई, दोनों बैलेंसेस को इक्वल करना, हाँ। तो चले आज ऑफ करते हैं क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हाँ ओवर टाइम लगाया जब हमने, हाँ 20